तो उधर हरियाणा में कांग्रेस मिशन 2024 के लिए जी जान से जुटी हुई है। इसी कड़ी में करनाल में जनमिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान शामिल रहे। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए तमाम पार्टियां अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस ने भी इसी तैयारी में अपनी पूरी ताकत लगा दी है और अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए जनता के बीच पहुंच रही है। इसी कड़ी में करनाल में कांग्रेस की तरफ से जनमिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके साथ राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस के मुखिया उदय भान भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार विफल है, सरकार की परफॉर्मेंस जीरो है, सरकार काम नहीं करती है, सिर्फ घोषणा करती है। वहीं ऑब्जर्वर मीटिंग के दौरान नारे लगे थे कि बापू बेटे की नहीं चलेगी। इस नारे पर जब हुड्डा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि शरारती तत्व है जो ये नारा लगा रहे हैं। 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है, 36 बरादरी के समर्थन मिल रहा है, चाहे वो शहरी हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, दलित हो, बैकवर्ड क्लास हो, हर वर्ग से जो है हमारे समर्थन मिल रहा है। क्योंकि मौजूदा सरकार जो है वो विफल सरकार है और नॉन परफॉर्मिंग कार्य कुछ नहीं किया, सिर्फ घोषणा करते हैं, नाम बदलने का काम करते हैं, काम कुछ नहीं है, तो हर वर्ग इस सरकार से विमुख हो चुका है। कांग्रेस की गुटबाजी और रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात पर कहा गया कि कांग्रेस एक है, कोई कलह नहीं है, कांग्रेस के नेता है वो इसीलिए मिली है। वहीं बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन पर कहा कि ये स्वार्थ का गठबंधन है, अलग अलग बयान आते हैं, उनके नीतियों का गठबंधन नहीं है। उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को जींद में जनमिलन समारोह है, उसके बाद हर विधानसभा में जाएंगे और कार्यक्रम करेंगे। आज करनाल में है और 8 अक्टूबर को जींद में होगा हमारा ये कार्यक्रम, और इसके बाद जो हमारा और अध्यक्ष जी का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम जाएंगे, इसी तरह कार्यक्रम हमारा चलता है। मुख्यमंत्री के जनसभा कार्यक्रम चल रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? वो तो आप भी देख रहे हो, कोई चंद्रयान में भेजने की आप सवाल मत पूछे ना उनसे, चंद्रयान में भेज देंगे आप। सारे सारे वर्गों के लोग आए हैं, अलग अलग बात करेंगे, उनकी समस्या भी जानेंगे, जो हो सके उनकी आवाज उठाएंगे। हमारा काम है विपक्ष में लोगों की आवाज उठाना। हरियाणा में चल रही संगठन बनाने की कवायद पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि संगठन बहुत जल्दी बन जाएगा। वहीं शमशेर सिंह गोगी के बयान पर उदय भान ने कहा कि जब वो आएंगे गोगी से बात कर लेंगे। दरअसल गोगी ने कहा था कि उदय भान प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से काम नहीं करते हैं। कौन जब आएगा, जब शमशेर सिंह गोगी बात करेंगे कर लेगा। आप जी आपकी बात अब नहीं करेंगे, वो विधायक है, कोई बात है वो हम बात करेंगे, हमारे विधायक बात कर लेंगे। अगर कोई बात की है तो उनसे अपना पिछले ये मीडिया की बात है, ये अनुशासनहीनता नहीं है, ये मीडिया की बात नहीं, जो अनुशासनहीनता है उस पर समुचित उस पर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है और हर एक नेता अपनी ताकत दिखाने में जुटा हुआ है। चुनाव नजदीक आते जा रही हैं और पलड़ा किसका भारी होगा ये देखना होगा। टोटल टीवी के लिए करनाल से विकास महला की रिपोर्ट।